नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। महाबली हनुमान जी के आशीर्वाद से आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आप सभी के लिए ऐसी ज़बरदस्त खुशखबरी लेकर आया हूँ कि दोस्तों सुनकर घर और परिवार खुशियों में झूमने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि ये बात किसी को भी कानो कान खबर होने मत दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आज पड़ोस के कोई भी व्यक्ति यह चीज़ जान गया तो दोस्तों ये सारे लाभ उनके हाथों में जाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यह बात हम आपको सर्वप्रथम बता दें कि दोस्तों आज के इस वीडियो में जो भी जानकारी आपको मिलने वाली है, जो भी ज्ञान आपको प्राप्त होने वाले हैं, दोस्तों इन्हें आपको अपने ही अंदर दबा कर रखना होगा, ताकि दोस्तों आप सभी के जीवनकाल में आने वाले समय में कोई भी बाधाएं, कोई भी परेशानी आपके जीवनकाल में दस्तक ना दे सके। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हम आप सभी को हर बार यही बात बताते हैं कि आप चाहकर भी उन चीज़ों को रोक नहीं सकते जो कि आपके हाथों में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, और यह समय आप सभी के हाथ में बहुत ही बड़ा मौका है, जिन्हें आप चाहेंगे तो अपने जीवनकाल को बदल सकते हैं, और अगर इन्हें नहीं चाहेंगे तो दोस्तों अपने जीवनकाल को फिर से वही स्थिति में रख सकते हैं जो कि अभी चल रहा है। इसलिए दोस्तों ये मौका आपके हाथ में है, इन्हें बिल्कुल ही मत छोड़िएगा। और जो बात हम आपको बताने वाले हैं, जो खुशखबरी, जो खबर आप सभी के लिए लेकर आए हैं, दोस्तों यकीनन आप सभी के जीवनकाल को पूरी तरह बदल देगा। बशर्ते अब आपकी ज़रूरत होती है कि इन सभी बातों को बिल्कुल ही ध्यान से सुनिएगा। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों आप सभी को बता दें कि अब आपकी कुंडली में 3 ग्रहों का संयोजन हो चुका है, जिनके कारण दोस्तों आप सभी के जीवन काल में अब बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि भगवान शनिदेव तो पहले से ही आपके जीवन काल में कई तरह के बदलाव किए हैं, लेकिन दोस्तों अब भगवान शनिदेव आपके कुंडली में आ चुके हैं, जिनके कारण दोस्तों आपको लाभ के नए मुकेश मिलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि जो भी पिछले समय के आपके अच्छे कर्म हैं, उनका भी फल आपको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि यश में भगवान श्री हरि विष्णु जी का भी अशुभ आशीर्वाद आप सभी को पढ़ने वाले हैं, जिससे दोस्तों आप सभी को कार्य क्षेत्र में लाभ के नए नए मौके मिलने वाले हैं। जो कार्य आपके बंद हो गए थे दोस्तों, उनमें आपको नई स्वीकृति मिलने वाली है, वह कार्य आपके फिर से खुलने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि यश में आप सभी के जीवनकाल में महाबली हनुमान जी के आशीर्वाद से भी बहुत ही अच्छा परिवर्तन होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका मंगल यश में शांत होने वाले हैं, जिनके कारण दोस्तों आपको क्रोध आना तो बंद होगा ही। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि आपके मीठी वाणी से आपके बहुत सारे बिगड़े कार्य बनने वाले हैं, जिनके कारण दोस्तों आप सभी के जीवनकाल में अब चांदी ही चांदी होने वाली है। एक प्रकार से कहें तो दोस्तों अब आपके जीवनकाल के लिए बहुत ही बड़ा मौका नहीं, भगवान का दिया हुआ वरदान है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे परम मौके को, परम वरदान को अगर आप मिस कर देंगे तो दोस्तों इस कलयुग का आप सबसे बड़ा बदनसीब इंसान होंगे। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आज की इस वीडियो को आप बिल्कुल ही मिस ना करें और अंत तक ध्यान से देखिएगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, सर्वप्रथम जो भी भगवान शनिदेव के, माता रानी के सच्चे भक्त हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव, जय माता दी जरूर लिखिएगा। दोस्तों माता रानी का शुभ आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा, शनिदेव आपके सारे कष्टों को हर लेंगे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं आज के बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान से, जो कि दोस्तों आप सभी के जीवनकाल के लिए बहुत ही बड़ा वरदान है। इन बातों को आप भूल कर ही मिस ना करें। और साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आने वाले समय में आपको कौन से एक उपाय करना है, जो कि दोस्तों आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक होंगे। दोस्तों हर बातों को आप ध्यान से सुनिएगा कि दोस्तों झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, खलत चबेना काल का, कुछ मुंह में कुछ गोद। दोस्तों इनका अर्थ यह है कि अरे जीव, तू झूठे सुख को सुख कहता है और मन में प्रसन्न होता है, देख यह संसार सारा मृत्यु के लिए उस भोजन के समान है, जो कुछ तो उसके मुंह में है और कुछ गोद में खाने के लिए रखा है। क्योंकि दोस्तों जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है, पर उसके पास नाम नहीं होता, और जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उनके नाम तो होते हैं पर उनके पास सांसें नहीं होती। इसे सांसें और नाम के बीच के यात्रा को ही जिंदगी कहते हैं। ना किसी के अभाव में जियो और ना ही किसी के प्रभाव में जियो, या जिंदगी आपकी है, सीमित है, इसलिए अपने ही स्वभाव में जियो। जी हाँ दोस्तों,
तो दोस्तों आज का यह परम ज्ञान अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आई हो, तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो आए दोस्तों से साथ बात करते हैं कि आने वाले समय में आप सभी के जुन काल में तीन ग्रहों की मिलनसार से आप सभी को कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, शायद दोस्तों कौन से बातों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होंगे। साथ साथ दोस्तों वीडियो के अंत में आप सभी को एक बहुत ही अच्छा उपाय बताने वाले हैं जो कि दोस्तों इन दिनों के लिए आने वाले समय के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होंगे। तो दोस्तों हर बात को आप ध्यान सुनिएगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों इसमें आपके व्यक्तित्व और वाणी द्वारा लोग आपसे प्रभावित होंगे। सामाजिक तथा पारिवारिक लोगों की तरफ से विशेष मान सम्मान भी इसमें आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों घर में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के आगमन से किसी मुद्दे पर सकारात्मक विचार विमर्श भी इसमें होने वाले हैं। और दोस्तों आपको बता दें इसमें आपकी सावधानी क्या होगी। दोस्तों कभी कभी आपके बहुत ज़्यादा आत्म केंद्रित होने से या फिर ईगो की भावना रखने से आपसे संबंधों में कुछ तनाव भी आ सकते हैं। दोस्तों किसी अनजान व्यक्ति के साथ अपनी कोई भी योजना शेयर ना करें, अन्यथा धोखाधड़ी भी हो सकती है। दोस्तों इन सब चीज़ों से यश में आपको सावधान रहने की जरूरत होगी। उसके उपरांत दोस्तों यश में जो जिम्मेदारी आपने खुद को कर ली थी, दोस्तों आपको बता दें कि उसी जिम्मेदारी संबंधित आपका उत्साह भी यश में कम होगा और काम संबंधित रुचि भी कम होने की वजह से काम की क्लैरिटी पर इसका असर दिख सकता है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों पर यश में आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। परिवार के लोगों के प्रति आपकी नाराजगी भी बढ़ेगी। जब तक बात को आप खुलकर नहीं बोल पाएंगे तब तक लोगों को आपके विचार समझ पाना कठिन हो सकता है। तो दोस्तों सभी के साथ खुलकर बोलें ये आपके लिए समय बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि यह समय भाग्य उन्नति के शुभ अवसर भी बन रहे हैं। दोस्तों कुछ समय से चल रही चिंताओं से आपको राहत मिलेगी। परिवार के लोगों की हर छोटी बड़ी बातों को जो है जरूरत पूरा करने में आपको आनंद प्राप्त होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में कुछ विरोधी भी आपके ऊपर हावी होंगे परंतु आपका अहित यश में नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि जल्दबाजी और अति उत्साह में बना बनाया खेल भी बिगड़ सकता है। यश में संतान का अड़ियल तथा जिद्दी रवैया भी आपको परेशान कर डालेगा। धैर्य और संयम से काम लें, सब काम सही होगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जिसमें होंगे आपको बता दें कि आपके आसपास के लोगों पर विश्वास बनाए रखना आपके लिए कठिन होगा, जिसकी वजह से आप हर एक काम खुद से ही पूरा करके ही कोशिश करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि परिवार के लोगों द्वारा मिल रही आलोचना की वजह से जो है उनके प्रति कटुता आपकी बढ़ सकती है। यदि आपको अपनी निर्लय क्षमता पर विश्वास है तो दोस्तों आपको अपने निर्लय पर डटे रहना ही उचित होगा। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि परिवार में सुख शांति आपके लिए प्राथमिकता भी रहेगी। दोस्तों काम काज व फिर परिवार में बेहतरीन तालमेल भी बना रहेगा। विशेष सामाजिक व्यक्ति का सानिध्य आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा भी उत्पन्न कर सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि बच्चों तथा युवा अपने लक्ष्य के प्रति इसमें आकर्षित भी रहेंगे। इसके बाद दोस्तों यह समय वाहन या फिर घर की देखभाल संबंधी कार्यों में खर्चा भी बढ़ेगा। अपने बजट का भी ध्यान अवश्य रखें। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों की वजह से कोई महान हानि होने की शंका भी लग रही है। दोस्तों अपनी महत्वपूर्ण चीज़ों अथवा पेपर्स बहुत अधिक संभाल कर रखें, ये आपके लिए यशमय बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय एक से अधिक बातों की जिम्मेदारी आपके ऊपर आने की वजह से और परिस्थिति पूरी तरह आपके खिलाफ होने की वजह से आपके अंदर जो है कन्फ्यूजन हो सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें प्रैक्टिकल विचार रखकर आप जो है काम करने की आवश्यकता आपको होगी। भावनाओं को यशमय आप जो है अधिक महत्व ना दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि जो समय होंगे आपके लिए लाभदायक समय होगा। किसी भी कार्य तथा मेहनत के उचित परिणाम भी इसमें आपको हासिल होंगे। अगर कोई प्रॉपर्टी संबंधी विवाद चल रहा है तो दोस्तों उसे सुलझाने का उचित समय है। विद्यार्थियों को भी शिक्षा व फिर करियर से संबंधित समस्या से राहत मिलेगी। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आर्थिक मामलों में काफ़ी सोच विचार कर निर्णय लें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों किसी भी प्रकार की जो है भविष्य संबंधी योजनाएं बनाते समय अपने ही निर्णय को प्राथमिकता दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दूसरों की बातों में आने से आपको परेशानी आ सकती है, इस बात का आपको इसमें ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि भाइयों के साथ संबंध मधुर बनाकर रखना इसमें आपकी जिम्मेदारी होगी। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लिए जो समय होंगे दोस्तों
व्यापार संबंधी बातों में यह समय आपको फायदा नजर आएगा। दोस्तों, यह समय खुद को बेहतरीन बनाने का प्रयत्न आपके द्वारा भी किए जाएंगे, जिसके लिए आपको उचित मार्गदर्शन भी यह समय प्राप्त होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों, यह समय अगर आपकी करियर को लेकर बात करें, अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों यह समय आपके करियर के लिए जो समय होंगे, कार्य क्षेत्र में यह समय आपको अपनी काबिलियत प्रदर्शन करने का मौका भी मिलेगा। और दोस्तों, मार्केटिंग संबंधी कार्यों में भी कोई बड़ा ऑर्डर यह समय आपको मिल सकता है। पेमेंट मिलने संबंधी कार्य भी इसमें सफल नहीं होंगे, धैर्य तथा संयम बनाकर रखें, ये आपके लिए इसमें बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों, यह समय आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों व्यवसाय के प्रति आपके ठोस निर्णय सकारात्मक रहेंगे। यह समय कामकाज में नई उपलब्धियां आपका इंतजार भी कर रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि अपनी योग्यता व फिर प्रतिभा के बल पर कोई उपलब्धि भी इसमें आप हासिल करने में सक्षम रहेंगे। सिर्फ अत्यधिक मेहनत करने की इसमें आवश्यकता होगी। तो दोस्तों, अपने कार्यों पर जो अपने ध्यान को इसमें जरूर केंद्रित रखें। इसके उपरांत दोस्तों, इसमें आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि काम काज के लिए लिए गए ठोस निर्णय व फिर महत्वपूर्ण निर्णय आपके लिए कामयाब रहेंगे। सिर्फ अधिक मेहनत व फिर परिश्रम करने की जरूरत होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि कार्य विस्तार संबंधी योजनाओं पर एक बार पुनर्वित विचार करना आपके लिए बेहतर होगा। दोस्तों, यह समय पैसे लगाते समय बजट का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, ये सब चीज़ आपके व्यवसाय के लिए समय बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों, यह समय आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि अभी व्यवसायिक गतिविधियों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने का प्रयत्न भी आप ना करें, क्योंकि दोस्तों यह समय रुके हुए पेमेंट का कलेक्ट करने का तथा आर्थिक स्थितियों को मजबूत करने का समय होगा। दोस्तों, नौकरी पेशा लोगों को फोन द्वारा कई उचित जो है महत्वपूर्ण सूचना भी मिल सकते हैं, जिससे आपका मन यश में गदगद रहने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें, तो दोस्तों पारिवारिक सदस्यों के साथ मनोरंजन संबंधी कार्यों में भी समय व्यतीत होगा तथा घर में मेहमानों के आगमन से भी चहल पहल भरा माहौल रहने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि परिवार में किसी बात को लेकर गलतफहमी भी हो सकती है, प्रेम संबंध भी इसमें मर्यादित रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों, यह समय आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों यह समय पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा, लेकिन प्रेम संबंधों के चलते घर में किसी प्रकार की कड़वाहट का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, हो सके तो इसमें प्रेम संबंधों से दूरी बनाकर रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। पति पत्नी तथा घर के सदस्य भी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे, प्रेम संबंधों में भी किसी प्रकार की नकारात्मक बातों की दूरियां आ सकती है। तो दोस्तों, इन सभी यश ये जो समय है आपके लिए, प्रेम संबंधों से दूरी बनाकर रखें। और इसके बाद दोस्तों, यश में अगर आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें, तो दोस्तों यश में आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, कभी कभी कमजोरी और थकान की स्थिति भी यश में रह सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, आपके हेल्थ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, एलर्जी अथवा मौसमी बीमारियों के संकेत भी इस समय मिल रहे हैं। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि वर्तमान सकारात्मक वातावरण की वजह से आप लापरवाही ना बरतें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए इस समय बेहतर होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि अंत में आपका स्वास्थ्य ठीक होगा, परंतु डायबिटीज लोग अपनी नियमित जाँच अवश्य करवा लें, लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। दोस्तों आपको बता दें कि अब आपको अपने जीवनकाल में कौन से उपाय को करना चाहिए, ताकि दोस्तों आपके जीवनकाल में आने वाले समय में आपको कोई भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े और जो भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं, जो भी शत्रु आपको परेशान करते हैं, दोस्तों ये सभी समाप्त हो जाए। दोस्तों बहुत ही कारगर उपाय है, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों नींद से उठते ही भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का यदि आप 3, 11 या फिर 21 बार जप करते हैं, तो दोस्तों सारा दिन आपका अच्छा होगा और आने वाले समय में आपको खुशियों की प्राप्ति होगी, लाभ के नए मौके खुलेंगे और दोस्तों जो भी आपकी सोचने की क्षमता है उनमें बढ़ोतरी होगी। दोस्तों यह अद्भुत प्रयोग है, यह मंत्र पूरे दिन पूरे समय में आपको हर तरह से सुरक्षा करते हैं, जो भी परेशानी हो वो आपके ऊपर नहीं आती और सारा काम स्वतः सिद्ध हो जाता है। तो दोस्तों अपने जीवन काल में इन उपायों को करना शुरू कर दें।